मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार कई सालों से पदयात्रा पे चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक ऐलान भी किया है कि वो अपनी पार्टी 2 अक्टूबर को बनाने जा रहे हैं। ऐसे में ये भी ऐलान किया था पिछले दिनों कि जब हमारी सरकार बनती है तो हम 1 घंटे के अंदर ही शराबबंदी कानून जो लागू है उसे हम खत्म कर देंगे। ऐसे में आपको बता दें कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से बिहार की यात्रा पर है। पटना में एक महिला सम्मेलन के दौरान उन्होंने महिलाओं से बातचीत में बताया कि वो ये सब कैसे कर पा रहे हैं, कौन सी ताकत उन्हें आगे बढ़ा रही है। महिला सम्मेलन के दौरान पीके ने अपनी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास से सबको रूबरू कराया। अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अपनी डॉक्टरी छोड़कर पूरे परिवार का जिम्मा उठाया है और कहा है कि जाओ तुम्हें बिहार में जो करना है करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। पीके ने आगे कहा कि पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है। हमारी पत्नी का नाम डॉक्टर जाह्नवी है। उन्होंने आगे कहा कि हम आपसे इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है, यह परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई जो काम कर पा रहा है वो इसलिए कि है कि पीछे से उन्होंने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। इस मौके पर पीके की पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास ने भी उनका समर्थन किया। जब उनसे पूछा गया कि पीके ने जो नया अभियान शुरू किया है उस पर आपका क्या कहना है तो उन्होंने कहा कि मेरा उनका पूरा समर्थन है। और पीके ने आगे कहा कि जितने भी पुरुष जन स्वराज में आकर काम कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप जैसी कोई महिला उनके पीछे खड़ी है। जाओ राजनीति करो, खाना हम बनाएंगे, बच्चों की चिंता हम करेंगे। जब आप हमारा बोझ उठा रही हैं तो हम लोगों का यह फर्ज है कि आपको हक से ज्यादा मिले। जाह्नवी दास असम के गुवाहाटी की रहने वाली हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं। राजनीतिक रणनीतिकार बनने से पहले पीके यूएन के हेल्थ प्रोग्राम में काम करते थे। यही उनकी मुलाकात जाह्नवी से हुई थी। यूएन में काम करते हुए दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। पीके और जाह्नवी का एक बेटा भी है। बता दें कि 2 अक्टूबर 2022 को पीके ने जन स्वराज अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत वो पूरे बिहार की यात्रा पर रहे। अब जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो पीके ने सभी आन को राजनीतिक दल में बदलने का फैसला किया। 2 अक्टूबर 2024 को वो जन स्वराज पार्टी लॉन्च करेंगे। पीके ने कहा कि 25 में जन स्वराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगी। तो आपको बता दें कि महिला सम्मेलन में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी की परिचय कराया और उनकी पत्नी का नाम जाह्नवी है और वो पेशे से डॉक्टर हैं। साफ तौर पे उनका ये कहना था कि हमारा परिचय कराने का मतलब ये नहीं कि ये हमारी पत्नी है, बल्कि हमारा परिचय कराने का मतलब ये है कि सबके पीछे, पुरुष के पीछे एक महिला खड़ी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।